Hello students, today in this video we will discuss about the plant hormones. So students, before starting our topic we will discuss about what is this hormone. Hormone क्या होते हैं? तो students, मैंने पहले भी बोला है hormones are just the chemicals. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं. और उसके बाद क्या होता है, जब भी ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या कराते हैं, किसी भी प्रोसेस को फास्ट अप करा देते हैं. किसी भी प्रोसेस को वो फास्ट अप करा देते हैं. जो हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सिर्फ एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी एक प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं. खुद कभी भी ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्टली. लाइक इनको कुछ, ये जैसे शुरू में होते हैं लास्ट में भी वही होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है, पर ये किसी भी चीज़ को फास्ट अप करवा देते हैं. जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, जैसे कि एक टीचर होता है, वो आपको अगर कुछ चीज़ समझाता है तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आ जाती है और वो चीज़ आपकी कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाता है. सेम हॉर्मोन्स क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को बिना खुद इन्वॉल्व हुए डायरेक्टली उसे क्या करा देते हैं, फास्ट करवा देते हैं. और ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, हमें बाहर से ज़रूरत नहीं होती है, नेचुरली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. अब प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे विल नोन एज द प्लांट हॉर्मोन्स. और अगर वही हॉर्मोन्स एनिमल की बॉडी में होते तो हम क्या कहते हैं उन्हें, एनिमल हॉर्मोन्स. तो लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्मोन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट कितना, बेसिकली फाइव टाइप की होता है, फाइव होते हैं. There are five plant hormones. One is your auxin, one other one is our gibberellin, then cytokinin, ethylene, and abscisic acid. ABA. abscisic acid. So let's talk about the auxin. तो स्टूडेंट, सबसे पहला हॉर्मोन है हमारा ऑक्सिन. तो ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन हमेशा प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो उसकी रूट की टिप हो या उसकी शूट की टिप हो. प्लांट की टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर कौन सा होता है, ऑक्सिन हॉर्मोन होता है. तो अगर टिप के ऊपर है, देखो कोई भी चीज़ अगर टिप के ऊपर है तो वो हमेशा क्या करवाएगी, उसकी लेंथ को इनक्रीज कराएगी. तो ऑक्सिन का फंक्शन भी आपको पता चला, हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द प्लांट. अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने आपको कल पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में सॉरी, कि फोटोट्रॉपिज्म में आपने क्या देखा कि एक प्लांट है, अगर उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से लाइट मिल रही है तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो प्लांट उसी लाइट की डायरेक्शन में मूव करेगा, वहाँ पे वो बैंड हो जाएगा. अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है. इट अकर्स ओनली ड्यू टू द ऑक्सिन. स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि वाई द शूट ऑफ ए प्लांट बैंड्स टूवर्ड्स द लाइट. तो आपको क्या बताना है, इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. तो देखो क्या होता है, सपोज ये आपका क्या था, स्टेम था. आपका स्टेम था जिसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से क्या मिल रही थी, लाइट मिल रही थी, सिर्फ माना इस डायरेक्शन में लाइट मिल रही थी. तो देखो याद रखने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, याद रखना, जब भी तुम्हारे ऊपर धूप आती है तो आप हमेशा क्या करते हो, मैं छाया में चले जाऊँ. तो वही क्या करेगा, ऑक्सिन पहले पूरे उसके ऊपर प्रेजेंट था, पर जैसे ही यूनि डायरेक्शन लाइट आ रही है, ऑक्सिन भी कहाँ पर चला गया, छाया में. चलो तो फिर इसको क्या बोलेंगे, व्हेन अ प्लांट गेट स्टिमुलेटेड बाय अ यूनिडायरेक्शनल लाइट, सो द ऑक्सिन मूव्स टुवर्ड्स द शेडी पार्ट ऑफ द प्लांट. जहाँ पे छाया है, शेडी पार्ट में चला जाएगा. अब देखो इधर तो ऑक्सिन ज़्यादा और इधर ऑक्सिन नहीं है. जिधर ऑक्सिन होगा, ऑक्सिन क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है. तो देखो इधर वाले साइड की तो लेंथ बढ़ गई और इधर वाली
कम रह गई, तो हमेशा अगर एक तरफ की लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी और ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ बैंड हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक फिनोमेना है। ये किसकी वजह से, फोटोट्रॉपिज्म, जिसे हमने बोला कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट का उसकी तरफ मूव होना, उसका क्या रीज़न था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन हॉर्मोन। की जब भी लाइट आती है ऑक्सिन शेडी पार्ट में जाता है, ऑक्सिन है तो लेंथ बढ़ाएगा, और अगर एक एक साइड की लेंथ बढ़ती जाएगी देखो, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपका प्लांट उधर की तरफ मूव हो जाएगा, दूसरी तरफ बैंड हो जाएगा। सो दिस वॉज द फिनोमिना ऑफ योर फोटोट्रॉपिज्म अकर्स ड्यू टू द ऑक्सिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर हॉर्मोन जिब्रेलिन। सो स्टूडेंट, जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन इज ऑल्सो अ प्लांट हॉर्मोन, एंड इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं GSA। और ये क्या करता है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, इट हेल्प्स इन द सेल इलोंगेशन। किसमें हेल्प करता है, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर आपकी जो सेल है उसका साइज बढ़ाता है ये। ऑक्सिन क्या कर रहा था, आपके प्लांट की, प्लांट को लेंथ को इंक्रीज कर रहा था फ्रॉम द टिप। पर ये क्या करता है, हर एक जो सेल है, जो आपकी कहीं भी सेल है, वहाँ पे सेल की क्या करवा देता है, लेंथ को इंक्रीज कराता है। इलोंगेशन अगर आपसे पूछे, दैट इज़ जिब्रेलिन। इसीलिए क्या करता है, ये स्टेम की इलोंगेशन, अगर स्टेम की इलोंगेशन की बात कराती है, देन यू विल हैव टू राइट द जिब्रेलिन, विच हॉर्मोन हेल्प्स इन द सेल इलोंगेशन और स्टेम इलोंगेशन, देन यू हैव टू राइट द जिब्रेलिन। इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, देन यू हैव टू मैंशन ऑक्सिन। ठीक है, इसके अलावा जर्मिनेशन, प्लांट जो सीड होता है, सीड को जर्मिनेट करवाने में, सीड को उगने के लिए कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन हॉर्मोन। इसके अलावा फ्लावर की, फ्लावर एंड लीव्स, फ्लावरिंग में, लीव्स फॉर्मेशन में, जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावर खिलते हैं, लीव्स बनती है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा नेक्स्ट प्लांट हॉर्मोन, साइटोकाइनिन। देखो इसमें नाम से इंडिकेट है, साइटो मतलब मैंने बोला है हमेशा सेल, एंड काइनिन वर्ड इज यूज फॉर द काइनेज, यानी डिवीजन। डिवीजन, काइनिन मतलब डिवीजन, यानी सेल डिवीजन। तो देखो अब क्या होगा कि जो साइटोकाइनिन है वो किस में हेल्प करता है, मतलब डिवीजन ऑफ सेल के अंदर हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे करता है, देखो अब आपसे कभी भी फंक्शन पूछा जाए, यू जस्ट हैव टू टेल विच हॉर्मोन हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, दैन दिस इज द साइटोकाइनिन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन, इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द सेल इन अ प्लांट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इथाइलिन, अदर हॉर्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन की सबसे खास बात क्या होती है, इट इज़ द ओनली गैशियस हॉर्मोन इन द प्लांट। बाकी कोई भी हॉर्मोन गैशियस फॉर्म में नहीं होते हैं, सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैशियस फॉर्म में कौन होता है, इथाइलिन। इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट की राइपनिंग में कौन हेल्प करता है, पकने में, फ्रूट को, कच्चा फ्रूट होता है उसे पकने में कौन हेल्प करता है, योर इथाइलिन। देखो यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ अ फार्मर, जिसमें एक फार्मर होता है, वो अपने बच्चे को एक सड़ा हुआ सेब देता है और कहता है इसे फ्रेश के साथ रख दो, फिर कहता है थोड़े दिन बाद देखता है कि वो जो रोटन वाला होता है वो भी, उसकी वजह से सारे फ्रेश वाले भी क्या हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। फिर उसे वो समझाता है कि, मतलब जो भी स्टोरी है, दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टोरी मोरल, ओके। तो बट हमारा, मेरा आपको बताना क्या है, क्यों हुआ था ऐसा कि एक जो ख़राब फ्रूट था उसकी वजह से सारे अच्छे फ्रूट भी ख़राब हो गए थे, क्योंकि एक पके हुए फ्रूट के पास क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ इथाइलिन होता है। अब देखो इसमें से इथाइलिन ज़्यादा, और इथाइलिन क्या है, गैस है, और गैसेस क्या करती है, मूव करती है, तो यहाँ से इथाइलिन किस में जाता है, अनराइप फ्रूट में, और उन्हें भी क्या कर देगा, अच्छे से
पका देगा। सो आई थिंक अब आपको हमेशा याद रहेगा इथाइलिन क्या करता है, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड इट इज़ द ओनली गैशियस हॉर्मोन प्रेजेंट इन द प्लांट। इसके बाद लास्ट हॉर्मोन आता है स्टूडेंट हमारा ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक और A फॉर द एसिड, ये ओनली एसिडिक हॉर्मोन है। अब देखो इसका नाम किससे पढ़ा है, वर्ड एब्सिशन से। एब्सिसिक कहाँ से आया है, फ्रॉम द वर्ड एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फॉल ऑफ यानी गिरना। देखो ये क्या करता है, ये इन सभी जो भी आपने हॉर्मोन देखे ये सब क्या कर रहे थे, ग्रोथ को बढ़ा रहे थे या किसी भी वो फूड फ्लावर लीव्स को जर्मिनेट वगैरह कराती है, इन सब का क्या करता है, अपोजिट करता है। ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, रोक देता है वहीं की वहीं। अगर कोई फ्रूट है या फिर कोई फूल है जो खिलने वाला है उसको बंद करवा देता है, उसे डोरमेंट करा देता है कि उसे खिलने नहीं देता। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, लीफ होती है, लीफ को देखो जिब्रेलिन लीफ बनवा रहा था और ये क्या करा देता है, लीफ को फॉल ऑफ करवा देता है। इसको पहली बार डिस्कवरी इसकी साइंटिस्ट ने की थी फॉलन लीफ में। उन्होंने देखा जो लीफ गिर जाती हैं पेड़ों से, तो उन्होंने देखा वहाँ पे उन्हें कुछ, उनकी जो टिप थी वहाँ पे उन्हें एक एसिडिक सब्सटेंस पाया गया। अब उसने पत्तियाँ गिरा, इसीलिए उसको क्या नाम रखना था, एब्सिसिन। बाद में देखा कि वो एसिडिक नेचर का है वो प्लांट, वो सब्सटेंस, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, एब्सिसिक एसिड, मतलब जो पत्तियों को गिरवा देता है। अब वो अकेला ऐसा हॉर्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, रोक देता है वहीं की वहीं। अगर फ्रूट हैं तो उन्हें भी बंद करवा, उन्हें भी नहीं पकने देता। अगर फूल खिल रहा था तो उसे भी नहीं खिलने देता। ऐसा क्यों कराता है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस हॉर्मोन। क्या कहते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन। अब देखो सारी कंडीशन तो सेम नहीं रहती ना प्लांट की, अब कुछ कंडीशन होती है प्लांट के लिए अनफेवरेबल भी होती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कंडीशन। उस टाइम पे प्लांट में कौन आता है, एब्सिसिक एसिड, और वो प्लांट की सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करवा देता है उस, ताकि प्लांट क्या कर सके, उस स्ट्रेस कंडीशन को सर्वाइव कर सके। इसीलिए वो क्या है, स्ट्रेस हॉर्मोन कहलाता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पांचों हॉर्मोन अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो ऑक्सिन, पहले हमने पढ़ा ऑक्सिन, ऑक्सिन ने क्या किया, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कराया। जिब्रेलिन ने क्या किया, सेल इलोंगेशन कराया, जर्मिनेशन करवाया, फ्लावर और लीव्स को भी ग्रो करवाया। इसके बाद इथाइलिन सिर्फ गैशियस हॉर्मोन था जिसने फ्रूट को पकने में हेल्प की। साइटोकाइनिन ने सेल डिवीजन कराया और एब्सिसिक एसिड ने जितनी भी ग्रोथ होती है उनको रोकने का काम करता है। फ्रूट है तो उसे जो फूल वगैरह उन्हें खिलने नहीं देता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्लांट हॉर्मोन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।